तो के प्यारे भक्तों, हरिदास जी और बाबा रामदेव जी के बड़े भारी भक्त हुए हैं। तो हरिदास जी के हरि सिंह जी आंख्यों आंदा ए आंदा डायबिटीज जड़ा अंग ही पंती है डे है तो धेनदास जी के रामदेव जी महाराज को आराब वर्गे बुद्धिजीवियों के जागरण लगान लाग रहा हा और बाबे को प्रचार करा के रामदेव जी महाराज बड़ा बड़ा काम करे है। तो एक जनो सभा में बैठे हो, बोले के काम करे भाई? बोले भाई आंधा ने आंख दे है, पांगड़ा ने पग दे है, कोड़ियां का कलक झाड़े है, ने पुत्रा ने पुत्र दे है, और जो निर्धन है बंगे बाबो 56 करोड़ की लॉटरी खोल दे गए। तो वो मैं थाने पहले बतायो ना कि भाई अट्टा बट्टी करनी है को नाम नारद होवे। तो एक जनो सभा में बैठे हो, बोले भगत जी हाथ जोड़ गए और माफी मांगू थारा हूं, थे थोड़ी देर पहला प्रचार करा हा के रामदेव जी आंखा ने आंधा ने आंख दे है, तो महाराज जी पहला थे तो थारली खुला लियो। और हरिदास जी के एकदम के बिजली को सो करंट लागो। तो सच्चाई जो है हमेशा ही कड़वी कड़वी होवे। हरिदास जी कहने लगे भाई बात तेरी 16 ना सच है, मैं प्रचार करूं बाबे को और कहूं के रामदेव जी आंधा ना आंख दे है, तो भाई मैं तेरी बात को बुरो को नहीं मानू, आज सही बात कही है मैंने और आ बात मेरे दिल के मान लागी है। अब सवेरे ही आरती बोल गए और घर आया, घर आ गए छोरे ने कहने लगे अरे भाई छोरा चाल तू मन रामदेव जी के मंदिर में छोड़ गया। छोरो कहने लगे दादा मन तो टेम को नहीं। अब घराला नट गया, एक पड़ोस को छोरो भी ने बुला के कहने लगे भाई मैंने रामदेव जी महाराज गए और मंदिर पर छोड़ गया। अब धेनदास भगत के रामदेव जी महाराज गए और मंदिर के ऊपर जागे तावड़े के मां मंदिर के सामने बैठ जावे और जेठ को महीनो हो और धेनदास भगत के हरिदास भगत के तावड़े के मां और आसन लगा के बैठ जावे और बाबे को बीनो खोल गए कहे बाबा आज मने और थारे नाम को एक भगत तानो मार्यो, मैं थारो प्रचार कर रहे हो के रामदेव जी आंधा ने आंख दे है। तो वो कहन लगी होते हैं कि रामदेव जी का गुदड़िया पाड़ लिया तेराली खुला ले। तो बाबा मने ही बात को बड़ो भारी मेनो लागे है और आप मेरी पुकार सुनो। तो धेनदास हरिदास भगत बाबा रामदेव जी महाराज ने और के विनती करे के अपनी राम सभा सुने। ओम नमो गुरुदेव ने स्वामी जी पिछाने शामी। ओ, 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 ओ।
बोल बाबा रामदेव भगवान की। तो हरिदास जी भगत और रामदेव जी महाराज ने विनती करे कि ओम नमो गुरुदेव ने, ओम नमो माता सुरस्ती, बुद्ध वाणी कला जानी, असन युग परवान, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग में तू रमियो रहमान। भक्ता कारण दे धारी थे त्यारिया पैगान, संत भारो श्या करो थारी पुरबली है पिछान। हे बाबा मैं आज हूं कोनी, जन्म जन्मांतर हूं थाने जानू, और आप मने दो आंख दे दो तो मने की गई लाठी आला का नोरा कुन काटना पड़े कि भाई तू मन जम्मा लगा घरे छोड़ गया, और मैं प्रचार करूं तो बाबा मने ही बात वो मेनो लगे कि रामदेव जी आंदा ने आंख दे है और कह दे तू खुला ले, तो फिर मेरे कन कोई जवाब है तो कह हरिदास की पुकार रामदेव जी सुनी को नहीं। अब दूसरी आवाज हरिदास जी ने और रामदेव जी महाराज ने और लगाई तो के कहे ओ बाबा थे हो अनघड़ अवतार ओ श्यामी जी, बाबा थे हो अनघड़ अवतार ओ श्यामी जी, ते पुरुष नहीं परमात्मा, मुख छोटो नाम मोटो मैं मायक मैं अपार बाप, मुख छोटो नाम मोटो कच्छ मच्छ ब्रे नरसिंह राम दे अवतार बाप, कच्छ मच्छ ब्रे नरसिंह अवतार बाप, रजा माही रम रहो तू रामो राज कुमार श्यामी, जमाही रम रहे हो तू रामो राज कुमार श्यामी, संतु भारो श्या करो तारी पुरबली पिछान श्यामी, बोल बाबा रामदेव भगवान की जय हो। तो हरिदास जी रामदेव जी महाराज ने दूसरी अर्जी लगावे के बाबा थे ही हो अनघड़े अवतार, थे पुरुष नहीं परमात्मा, मेरो मुख छोटो तेरो नाम मोटो, महिमा अगम अपार, कच्छ मच्छ ब्रे नरसिंह तू रामदेव अवतार। हे बाबा कच्छ को अवतार थे लियो, मच्छ को अवतार लियो, बरा को अवतार लियो और नरसिंह को अवतार ले गए थे, हिरणाकुश को वध करो, कलयुग में थे कृष्ण बन गया या, त्रेता में थे रामचंद्र बन गया या, और अब कलयुग में थे रामदेव जी हो, मैं आज हूं कोनी जन्म जनांतर हूं थाने जानू और मेरी पुकार सुनो। तो प्रेमियों जिस वक्त रामदेव जी महाराज बाडी महा तो हरिदास जी द्वारा लिखित वो 24 प्रचंग परवान है 52 कलिगो, तो 52 कलिगो हरिदास जी बखान करे और 3 दिन तक के रामदेव जी महाराज के मंदिर के ऊपर और भूखा प्यासा बैठे रहे जद बाबांगी पुकार सुनी तो के हरिदास जी की पुकार रामदेव जी महाराज कौन सुनी, और तीसरी आवाज के हरिदास जी रामदेव जी महाराज ने और लगावे और के अपनी राम सभा सुने। हाँ ओ बाबा थे ही हो दवार काला नाते ओ श्यामी जी, बाबा थे ही हो दवार काला अजमल जीरा पाचा पालिया, अजमल रा पाचा
का बाचा पालने पग आन धरियो होयो रवि प्रकाश बाबा पालने पग आन धरियो होयो रवि प्रकाश बाबा दूध फंता ठारिया तावन लाग्यो तास बाबा धड़ी धड़ी रमंता तेंत मार्यो बश्यो बास सुबास श्यामी बाबा रामदेव भगवान की जय हो। के बाबा थे ही हो द्वारकाला नाथ और थे अजमल जी का बाचा पाड़िया। तो अजमल जी जिस वक्त समुद्र में छाल मारी और वचन करियो कि मैं थारे घरे अवतार लेके आऊंगा के अजमल रा बाचा पाड़िया भक्तांगी पूरी आस पालने पगान धरियो जद होयो रवि प्रकाश। रवि दूजगो सूर चांद उगयो जद जमाल जी के घरे रामदेव जी महाराज को अवतार होयो दूध उफंता ठारिया बांगे तावन लागियो तास माता मेणा दे रामदेव जी महाराज ने चुंगावे। बे कथा में आपने सुना चुके हूं दड़ी रमनता थे देंत मारियो फिर बसियो बास सुबास संत भारो श्या करो थारी पुरबली है पिछान। तो रामदेव जी महाराज के हरिदास भगत की पुकार सुनी कौन। हरिदास जी चौथी आवाज रामदेव जी महाराज ने और लगावे तो के कहे ओथे मिश्री को कर दियो नूने ओ श्यामी जी बाबा मिश्री को कर दियो लो बाबा नूने पलट मिश्री करी नूने पलट करी मिश्री ऐसो खेलो खेल बाबा नूने पलट करी मिश्री ऐसो खेलो खेल बाबा ओहे ते की झाज तारी हाथा पासो झेल बाबा ओहे ते की झाज तारी हाथा पासो झेल बाबा जालू जुग से टालिया करी पल में मेरे बाबा जालू जुग से टालिया पूर्वली पिछान शामी संतु भारो शा करो थारी पूर्वली पिछान शामी बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। के बाबा थे मिश्री को कर दियो नून नून पलट करी मिश्री ऐसो खेलो खेल बोए ते कीते झाज तारी आता पासो झेल और जालू जुग से टाड़िया ते करी पल में मेर। तो प्रेमियों जालू एक नायक बिरादरी में और सात भाइयों को भाई हो तो जालू सारा में छोटो हो और डाका मारिया कर दो चोरी कराया कर दो जालू तो के मालक की कोई ऐसी क्रोपना हुई और के जालू के कोड लाग गयो। अब जालू के कोड लाग गयो तो का तो भाई भी ने जालू जालू कराया करदा क्यों माल लिया लागे दिया कर दो और पहला एक कुछ अज्ञानता ही कोड ने छूत की बीमारी मान्या करता के भैया एक दूसरे के लाग जाए है और की बदनसीब के टीबी हो जाया कर दी तो लोग भी उन नाम कौन लिया कया करता कि मोटोड़ी बीमारी।
अब बिंगा बर्तन भांडा न्यारा धर दिया करता, बोलनो चालनो बंद कर दिया करता बिंगे सागे। अब वो बीमारियों तो कम मरिया कर दो और भी तरह घुट घुट गए जल्दी मर जाया कर दो। आजकल तो टीबी की कोई बीमारी को नहीं। अब सातों बच्चों भाई कह ला गया, देख भाई जालू तेरे कोड लागियो और तू भाई मारे गुदड़ा में ना बैठिया कर। अब धन ला ला दिया कर दो जब तो भाई बड़ो अच्छो लागिया कर दो। जालू तू अब भाई मारे बिछावने पर ना बैठिया कर, तेरे कोड है और तू माने ही कोडी बनावेगो। अब कह जालू सारा भाई छिंटा लेन ला गया तो कह प्रेमियो एक टेम ऐसो आयो के सारा भाई बैठ के बतलाया, कहने लगा देखो भाई जालू गया हो गयो कोड और आपने ही झूंपड़ी जो है बाहर ले पास है फल से ऊपर मांड दो और नहीं आपने सारे घर का यो कोड लगावेगो। अब सारा चारों पांचों छह भाई कहने लगे देख भाई जालू चाल बढ़ तेरी झूंपड़ी मांड दिया और तू भी झूंपड़ी के मां बैठी रहा कर और टेमो टेम तेरो रोटी पानी चा पानी मैं पुगा दिया करांगा और तन घर आने की जरूरत को नहीं। तो के प्रेमियों जालूगी और झूंपड़ी के कुटिया कांकड़ के ऊपर गांव के फड़से के ऊपर मांड दी। आपकी याद आ जाए तो रोटनी पकड़ाई आवे और नहीं बिचारो भूखो ही सुत्यो रहे क्यों काम घना अच्छा करे नहीं बने। तो एक दिन के मां पोगो महीनो और ठंडी ठंडी पून चाले और फुहारिया पड़े और तापमान हो रहे 0 डिग्री डॉक्टर साहब। तो जालू की मां ही तो मां की आत्मा एक अलग ही आत्मा हुए है। मां को नाम लिए मुंह भर जाए। अब बुढ़ की आत्मा कड़पी कि आज कौन चाले ठंडी और तेरो जालू जो है वो पाले मरेगो। अब ओले सी बिचारी उठी बटोड़े मु चार थेपड़ी चकी और एक कामल उठायो केले चाल तू बिन तपागे आई और वो कामलियो बिन उड़ागे आई नहीं तो वो पाले मर गए और मर जागो। तो प्रेमियों के वार्ता बने और के जालू की माता जालू कने जावे के अपनी राम सभा सुने कई जानियो। अरे ठंडी ठंडी पवन चले पूरे वाई रे, ठंडी ठंडी पवन चले पूरे वाई रे, हो जालू की माता जालू के कने आई रे, जालू की अजमल घर अवतार की जय हो। अब बूढ़ की ओले सी गर्मों लिकड़ी बार चार थेपड़ी उठाई और एक कमलो पुरानो। अब वो कमल उठायो के ठंडी ठंडी पवन चले पुरवाई और वह जालू की माता जालू कने आई, चार थेपड़ी वा कांधे कमल ल्याई। बादल गरजे बिजली कड़के
और जालू भी के जाड़ बाजे पाले गो बेंगी। हाँ तेरी बाजी ठहर जरूर देर। अब आवाज लगाई, अरे जालू जालू मन में विचार करो, सारा जालियो जालियो करया करे, आज तन जालू कहने वालों कुण आ गयो, कुण मां है के? बोले हां बेटा। अरे जालू तू दुखी एक सुखी? बोले मां जिंगे कोड लाग जाए वो कोई सुखी रहा करे तो बेटा कोई देवता न सिमर। तो जालू कहने लागो माता मैं तो माटका बजा बजा के अरे देख फोड़ दिया। तो नायकांगो ठाकरांगो देवता कौन होवे? बाबू जी बावलाल। हाँ जी। अब नायकांगो देवता होवे बाबू जी। अब बाबू जी का माटा बाजे और पड़ बन चीजे तो जालू के कह अपनी माने हाँ। अरे माटा बजाया मैं तो बाबूजी ने ध्याया रे, माटा बजाया मैं तो बाबूजी ने ध्याया रे, ऐसा देव मारे बाब को नी आया रे, ऐसा देव मारे बाब को नी आया रे, हो जालू की माता कह लगी बेटा पिछ मजरा में और एक रामदेव जी नाम करके और अवतार होयो है तो दुनिया भी ने मनावे और तुम भी बिन याद कर। बोले मां मैं बिन तो जानू ही कोनी। तो बोले रामदेव जी वो नाम लेके पुकार। तो जालू कह रहे हैं जालू सुरता रुणे चल गाई रे, जालू सुरता आधी आधी रात बाप करी है चढ़ाई, आधी आधी रात बाप करी है चढ़ाई, कड़ पड़े फोड़ घोड़े रा बाजे, कड़ पड़े फोड़े घोड़े रा बाजे, चालू गो कोड़े उड़ उड़ बिरड़ियां गे लागे, चालू गो कोड़े उड़ उड़ बिरड़ियां गे लागे रे, हो पीछे मदेरा में एक देव बतावे, पीछे मदेरा में एक देव बतावे, सुमरे जकांगे बाबू हाजर आवे रे, सुमरे बोलो अजमल घर अवतार की जय हो। तो जालू की माता कहने लगी बेटा अभी एक थोड़ा ही दिन होया है और रामदेव जी नाम कर गए और एक पीर होयो है अपने हिंदुआ में तो तू भी ने मना। तो जालू कहने लगे माता मैं तुम्हें को नाम ही कौन जानू? बोले नाम मैं बताने लाग रही हूं नहीं तेने रामदेव जी कह लो के पिछ मदरा में एक देव बतावे, सुमरे जकांगे वो हाजरी आवे, के जालू सुरता रुनेचे लगाई आधी आधी रात बाबे करी है चढ़ाई, कड़पड़ पोड़ घोड़े का बाजे, जालू गो को डूड डूड बेरडियां गई लगे। तो प्रेमियों रामदेव जी महाराज के घोड़े का पग बाजे और जालू वो जो कोड है वो शरीर पर उतर उतर गए और ए बोरटी के ऊपर लाल लाल जो डाली के ऊपर गिरडू लागेड़ा है गूंद सो लागेड़ो है बोरटी के ऊपर। रामदेव जी महाराज के जालू को कोड उतार गए और के सारे को सारो बोरटी पर गिर दियो। बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। आप जागे जालू के सिर पर हाथ धरियो, अरे जालू डाका मारिया कर दो जब तो भाई तेने बड़ो अच्छा लागिया करता भाई, और अब भाई भूल गया तेने, हे बाबा तेरे ऊपर मेरे तो कोई कोनी, तो ले वो मेरे नाम को बीनो है और आ मेरे नाम की
सेवा है, ले मेरे नाम को प्रचार कर दुनिया में। तो भाई बरकरान की जरूरत हो जदानो पड़े और कुर्सी मिल जाए तो बरकरान कौन पूछे। हाँ पुरानियान कौन पूछे तो के कड़पड़ पोड़ घोड़ेगा बाजे और जालू को कोड उड उड बेरडियांगे लागे। हरिदास जी कह लागो ओ बाबा तू आधी रात को मी बरस दे मेरे भी डाकू कने गयो, मैं तो तेरे मंदिर पर बैठे हूं तू मेरी पुकार कौन सुन सके। तो के रामदेव जी महाराज हरिदास की पुकार कौन सुने, कौन सुने। तो पांचवी आवाज और हरिदास रामदेव जी महाराज ने और लगावे किया अपनी राम सभा सुने। तो प्रेमियों समझ में आवे गेता रहे है जी, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ कि मैं न्यू गढ़ पाड़ू। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। तो पांचवी आवाज और हरिदास जी रामदेव जी महाराज ने लगावे किया अपनी राम सभा सुने। ओ थारा काई काई करूं रे बखाने ओ श्यामी जी, थारा काई काई करूं रे बखाने ओ श्यामी जी, हे खऊ बछड़े का मेला किया मेला कियो दांतल फेरे बाबा गऊ बछड़े किया गऊ बछड़े किया मेला कियो दांतल फेरे बाबा सुजांगी काया सुधारी अम्मी छांटो गेरे बाबा सुजांगी काया सुधारी अम्मी छांटो गेरे बाबा हल्ले ने सुरगा से मोड़ो धन लायो गेरे बाबा हल्ले ने सुरगा से मोड़ो आयो मोड़े बाबा आस कही जू बाप जी ते कठ लगाई देर शामी हो आस कही जू बाप जी ते कठ लगाई देर शामी हो बोल बाबा रामदेव भगवान की। तो हरिदास जी पुकार करे रामदेव जी महाराज ने कहे बाबा मैं तेरो के बखान करूं के थारा काई काई करूं रे बखान थे गऊ बछड़े का मेला किया धेन बछड़े कियो मेलो कियो दांतल फेर सुजांगी काया सुधारी ते अम्मी छांटो गेर। तो प्रेमियों ब्रह्मदेव जी की घराली और ब्रह्मदेव जी जो है रामदेव जी महाराज का बड़ा भाई हा, बांगे घर में गऊ ही और रामदेव जी महाराज जम्मा जागरण सत्संग करन गए डा और पिछों के गऊ को बच्चो मर गयो। तो रामदेव जी की भाभी के विश्वास हो बे भगवान तो कौन मान्या करता केंदा बोले बो की झाड़ा जपटा जाने क्यों भगवान तो वहां बाद में समाधि लेनी ना बाबे जद मान्या भी वो तो भगवान हो। जिते आदमी बाडी में होवे इतने भी पिछाण को नहीं होवे और जाने के बाद में लोग पीछे रोवे बोले हो आदमी तो बड़ो जोर को बनापा तो खो दियो बिंगी सार कौन करी। तो के कहे गरगा कह लागिया बोले तू बावली हो रही है ई बच्चे ने नहीं बुलागे और बार मट्टी दिरवा दे। बोले ना जीते रामदेव जी घरे ना आवे इतने में ई बच्चे ने मट्टी कौन देन दे। अब जिद कर ली तो हिंदू धर्म हो घरे बच्चों मरियो पड़ो तीन दिन के रामदेव जी के घर में तो वो कौन चढ़ो। तीसरे दिन रामदेव जी महाराज सुबेरे आरती उरती बोल गए और तीसरे दिन घरे आया और सुबेरे को वक्त हो चन्नन चौकी के ऊपर बैठिया दांतल करन लाग रहा
और वन दांतल करदा ने रामदेव जी की और भाभी जो है ब्रह्मदेव जी की घर आली वहां देखियो के रामदेव जी आ रहे हो। अब सारो काम धंधो छोड़ के भाजगे बांग करने गई, जागे हाथ जोड़ के कहने लगी, हे महाराज दुनिया थाने पीर माने है और बी टेम रामदेव जी महाराज आपके घरे जो है पीरा का कटोरा भी मंगाया जदबा भी रसोई बनाने में ही। तो बात तानो मारे बाने के घर में पीर बसो अजमल रा और पर घर पीर कुहाओ बिल खोड़ी गाय बाछड़ो मांगे तो क्यों घर को दूध गमाओ। थाने नहीं खीर खाने की पिंडिया खाने की आदत पड़ रही है तो दसवीं आले दिन थाने खीर बना के जिमा दे थारू वादो है मेरो। अब रामदेव जी महाराज दांतल करता करता और बच्चे के कह छिंटो मारियो बच्चो बैठे हो गए मागे जागे चुंगल लागे बोलो अजमल घर अवतार की जय हो। तो तीन दिन के मरेड़े बच्चे ने और बाबे रामदेव जी जिंदो करो के गऊ बछड़े का मेला किया कियो दांतल फेर सुजांगी काया सुधारी ते अमी छांटो गेर। तो प्रेमियों सुजा बाई एक लड़की ही ठाकरांगी तो जो बिश्नोईया को धाम है मुकाम अभी वहां निकल गए जब बीकानेर आवा हां तो रास्ते में पहलो गांव आवे विद्यासर और दूसरो गांव आवे सांडुओ। आप जीत रापा सिर समचाला और मोरी आलो और वे डिंग आवे कने कने अभी इतरा वे दो गांव आवे तो सांडवे गांव की एक लड़की ही नाम हो सुजा और भी के विद्यासर में और रिश्तो हो गयो। तो बारी साहब ब्याने के साल छह महीना हो गया तो बिंग एक लड़की जन्म ले लियो और मालक की ऐसी करोपना हुई के सुजांगी काया में और कोड हो गयो। तो थोड़ी देर पहला भी मैं आपने बतायो का ज्ञानता ही लोग छूत की बीमारी मान्या करता तो देवर जेठ जिठानी देरानी कहन लागेंगे तो आ कोड की बीमारी लागी और यह अपने और लगावेगी। तो केकरा बोलेंगे पीर छोड़ियाओ। अब सासराणा के काम करो अब सुजान के पीर के मां और सांडवे गांव में छोड़िया। अब भाभियां देखी सुजान आमदी ने अब पतो तो चाल रहे हो कि बेबी के कोड हो रहे है और लप लप का होट काट्या तो जमानो इसो आ रहे है जे घर में बहन आ जे तो मुंह कर ले पूर खाईड़ी बछड़ती वर्गो अर कोरड़ी की मां तेरे कन 10 रुपया पड़े है गे घर में चाहे 100 नोट पड़े हो ना भाई थारी 100 रुपया ही को नहीं केकरो बाई आ रही है कोई सब्जी ले हमार एक पीसो ही कोनी घरा और घर में साली आ जाए तो कड़ाई हो लिया भीतरू काट गए और गली के मां बैठ के मांजे पड़ोसियन चिड़ान खातर अटे मारी है कलयुग में। तो बहनगी तो आई जे तैर साली की आई जे आजकल तो साली साडू बिना रिश्ता ही को नहीं हुए। तो के कहे आप सुजाने के और सांडवे गांव में पहुंचा दी। अब सुजांगी नंदी बे कहन लगी चौधरिया ने बोल दखी के तो घर में माने रख लियो और के इन तारी बेण ने रख लियो क्यों इंग हो रहे कोड और आ है छूत की बीमारी आपने सारंग लगावेगी तो बार मित्तल साहब कितो ही मोटो अफसर लागेड़ो घरा तो मिनिस्टर की चल है मित्तल साहब नाड़ जोर की मारी है कि ज्यादा ही चल है। तो के आप एक दो दिन तो रोटी पकड़ाई ऊपर हूं
और चौथे दिन के सूजांगी झोपड़ी कांकड़ के ऊपर मांड दी। कहने लगे वीर कांकड़ पर छोड़ जाओ और एक पानी को लोटो और पानी को घड़ो बढ़े दरियाओ। जो टेम आवेगी रोटी की तो आप रोटी पकड़ाया होगा और बी टेम में चागी तो ज्यादा कोनी राबड़ी होया करती और राबड़ी रूबड़ी न बढ़ी पहुंचा देंगा। तो बा लड़की जो ही साल छह महीनांगी अब बाबियां कह लागी बोले आ छोरी इंगो दूध पिए है तो इंगे भी कोड है और इन्हें भी इंगे सागई जान दो। तो के आप सुजांगी झोपड़ी के कांकड़ के ऊपर मांड दी कि याद आ जावे तो रोटली पकड़ाया वे और नी बिचारी भूखी सूती रहे। तो के प्रेमियों भादवे को महीनो आ जावे तो भादवे के महीने और बाबे रामदेव जी महाराज को बड़ो भारी मेलो लागे। तो रामदेव जी महाराज का जात्री और बाबे का जयकारा लगाउंदा जावे और सुजांगी झोपड़ी के कने के टप्पण ला गया तो सुजांगे कान में के जयकारे की आवाज पड़ी। सुजा झोपड़ी बार ले पास आई और वे यात्री जान लाग रहा बने जालो दे के बुलाया अरे भाइयों थे कौन हो और किंगे नाम का जयकारा लगाओ हो और कठे जाओ थे। तो ही भाई बरगो पट्टा भाई डो बोले मैं रुनेचे जावा। तो रुनेचे भाई के है के रुनेचे रामदेव जी है तो वो बड़ा बड़ा काम करे के काम करे तुम्हारे भंवरलाल जी भर का कामड़ बाबे की बड़ाई करे बन के वेरो भैया गल में गल जाएगी। तो बे के बड़ाई करे हा अरे आंदा ने आख्या देवे बाबो राम दे तो वो कोडियां राकले के जड़ा में जियो आंदा ने आखियां देवे बाबो राम दे आंदा ने आखियां देवे बाबो राम दे अरे कोडियां राकले के जड़ा में जियो ओ कोडियां राकले के जड़ा में जियो ओ निर्धनियां ने बाबो धन घनो देवे ओ निर्धनियां ने नाथ तेरी माया ने माया रो भार कोनी पायो जियो थारी माया रो भेद कोनी पायो जियो ओ जोई जोई दावे बांगे बाबो बे गोयावे जोई जोई दावे बांगे बाबो बे गोयावे पापीरे नुगरा से दूरा जावे जियो ओ पापीरे नुगरा से दूरा घरे अवतार की जय हो। अबन कामड़ा ने केवे रो भियो चिंचड़ धारे चिप जी के आंधा ने आख्या देवे बाबो राम दे वो कोडियारा कलक जड़ावे निर्धनिया ने बाबो धन घनो देवे तो बंजड़िया पालनिया बंधावे। अब सुजा जो है भगत का पग पकड़ लिया हे भगत जी थारी रामदेव जी सागे जान पहचान है और मेरे काया में कोड है तो थे रामदेव जी ने जानो हो और मन थारे सागे ले चालो और थे मन रामदेव जी कनु ठीक कराओ भाइयों में घर हूं बेघर हो रही अब पट्टा बाईडा छोरा बे बोले दकूं टांटिया को छत्तो छेड़ लियो ये बता पाई न बीमार ने कट लेके चाला आली जनी चाली जनी दो चार बुढ़ा बुजुर्ग कहन लाग्या बोले रे बापड़ी ले चालो के बेरो इंगी सुनाई हो जे
तो के प्रेमियों बुढ़िया की चाली अब के बुढ़िया सुजाने और के सागे ले ली। तो के दो ढाई कोस चालिया करदा और भी दिन बा बीमार लुगाई सागे ही तो के कोसे के चालिया और दिन छिपियो। यात्री कहन लाग्या बोले भाइयों जे ई हिसाब आप चालदा रहे नी तो बादुओ तो क्या अपन तो कत्ती ताई कौन पुगा तो आ बुढ़िया को घणो पेट बड़े नहीं तो आज ही घिसा गए और अपने चालो। अब शाम को वक्त हो गयो बाबे को प्रसाद बनायो सागे कामड़ा पांच शब्द बोलिया बाबे का कहन ला गया भाईओ आराम कर लियो और सुबेरे आपा मजल काटांगा। तो के प्रेमियों नींद तो दुखिया और सुखिया एक बार सभी ने आवे। अब के सुजा ने नींद आ जावे अबे छोरा देखियो बोले आ तो सोगी सोगी बोले हां तो आंगो जी करे नी बुढ़िया को ए आजी हिसागा अपने चलो। तो के प्रेमियों बिना टिकटाला उठ उठ चाले जीव एक करे संगायती उठ उठ चाल पड़िया बे चाल तो थे ही पड़ो बनगला लूट कवे दोनों टेम। तो के आधी रात हो जावे और दो ढाई बजे को टेम और सुजांगी एकदम आंख खुली देखे तो बिया बान उजाड़ गए मां और सुजा एकली सूती पड़ी सूती पड़ी। अबे छोर झंडा चालिया जा रोटी पानी को सामान बांकना बुढ़िया बोले भाई भी भूख मरदा हूं अपने कौन चाली जाए अपनी चालो। अब सुजा ने के एकली नहीं छोड़ गए और यात्री चला गया। अब सुजा की आंख खुली और सुजा आसे पासे देखो तो बियाबान उजाड़ में और एकली सूती पड़ी। सुजा मन में विचार करो कि तेरी झोंपड़ी में सूती तू लाखांगी ही और अब तेरो कोई धनी को नहीं। आप जे तेरो धनी होवे तो वो रुणे चालो भलाई तेरो धनी होवे। तो सुजा एक करुणा परी पुकार और बाबे रामदेव जी ने बियाबान उजाड़ में हिलो मारे तो करुणा भरी पुकार बाबू हमेशा ही सुने। आप एक बार सच्चे दिलों पुकार के देखो बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। तो सुजा के संगरा साथी रे बाबा लद गया बाबा लद गया सूती रे की सुजा भाई रामा हो जी हो संगरा साथी रे बाबा लद गया बाबा लद गया सूती रे की सुजा भाई रामा हो जी गौ तो पड़ी है उजाड़े में हो उजाड़े में कोई साई ना को साई रामा हो जी जे करूं रे आज मालेरा शिदरा में दे मेरी कर ले सुनाई रामा हो जी पर जे करूं रे आज मालेरा शिदरा में दे मेरी कर ले सुनाई दुर्बल बहुत दुख पाई रा
छूजा के हे बाबा मैं तेरे यात्रिया पर भरोसो करके आई और तेरा यात्री मेरे सागे धोखो कर गया। कुंवारी किन्या में लीनी गोदे में बाबा गोदे में वो तेरे रूने चेने आई किन्या में लीनी गोदे में बाबा गोदे में तेरे रूने चेने आई रामा हो जी। अरे जे करूं रे आज माले रा बाबा रामदेव भगवान की जय हो। तो सुजा बाबा ने विनती करे कहे बाबा संग्रह साथी बाबा लद गया सूती रहेगी सुजा भाई गऊ पड़ी है उजाड़ में ना कोई साई ना गोसाई। हे बाबा तेरे बिना आज मेरो कोई धनी कोनी कोई कोनी। मैं तेरे यात्रियां पर भरोसा कर गए और मैं बांग सागे आई और वे मेरे सागे धोखो कर गया। जे मन मेरी झूंपड़ी में छोड़ दिया वार तो मैं लाखांगी के कुमारी किन्या में लीनी गोद में मैं तेरे रुणे चेने आई वारी वारी अजमाल रा मैं दुर्बल बहुत ही दुख पाई। तो रामदेव जी महाराज तकियो लगाया आपका सूत्या पड़िया क्या ने पुकार सोना सूजा ने आप दूसरी आवाज सूजा और लगावे तो के कहे सूजा हाथ पगंगी गलगी आंगली बाबा आंगली काया कीड़ा ने खाई तेरे पगांगी गलगी आंगली बाबा आंगली काया कीड़ा ने खाई रामा हो जी। रानी जेठानी मोसा बोलिया मोसा बोलिया परण्यो ल्यावे लुगाई रामा हो जी। रानी जेठानी मोसा बोलिया मेरे सांडवे में यूपनी बाबा यूपनी बीत्या सर पर नाई रामा हो जी। अरे जे करू रे अजमाल सीधे राम दे दुर्बल होत दुखे पाई अजमल घर अवतार की कहे बाबा हाथ पगांगी मेरी गड़गा मेरे घर आलो है वो दूसरो ब्याह करवावे है और सासु ससुरा देवर जेठ धक्का देगे मैंने घराऊ काट दी पीर में छोड़ी आया और बाबा ओटी मैंने पीर आला ही कोनी बाई मेरी झूंपड़ी कांकड़ के ऊपर मांड दी। बाबा मैं बड़ी भारी दुखी हूं और तू मेरी पुकार सुन। तो सूजा चापियो पानी।
बाबा मेरा दादा परदादा तेरे नाम का बीना बजाया करदा, तेरा जागरण लगाया करदा, मेरी ना सुने तो बांग भगवान की तो लाज राख तू। तो के कहे पोती कही जू देवा दास की, देवा दास की गोरे धन की मैं चाहिए बाबा पोती कही जू देवा दास की, देवा दास की गोरे धन की मैं चाहिए बाबा आधी रात पहर को तड़को पहर को तड़को बाबे परी रे चढ़ाई रामा ओ जी आधी आधी रात पहर को तड़को पहर को तड़को बाबे परी रे चढ़ाई अवतार की। तो सुजा बियाबान उजाड़ में और रामदेव जी महाराज ने पुकार करे बिनती करे हिला मारे के पोती कही जू देवा दास की मैं गोरधन की जाई अरज करूं अजमाल रा मैं दुर्बल बहुत ही दुख पाई। अब रामदेव जी महाराज सुत्या पड़ा और सुत्या सुत्यांगे के काना में सुजांगी आवाज पड़ी और एकदम के हबड़क के उठा। रामदेव जी महाराज मन में विचार करे आज तेरो कोई भगत दुखी है। अब ध्यान दरगे देखे तो के सुजांगी आत्मा और बियाबान उजाड़ में कड़पन लाग रही के आदि आदि रात पहर को तड़को बाबे करी है चढ़ाई। बोलो द्वारकानाथ की जय हो। हाथ पकड़ बैठी करी बनकाया कंचनी बनाई बाई कठे तेरे कोड। अब जठे भगवान पहुंचे बड़े कोई दुख तकलीफ थोड़ा ही रहा करे पर आजकल वाला भगत तो सिर लावे बाबू आ गयो के तो बाबू आज से बड़े कोई दुख रहा करे गे बाबू या थोड़ी कह तू मेरे दस फेरी लगाई वो तो आंधे ही काम कर दे जी तरह बिजली वाला तारगा हाथ लगांदी कर दे जी पण बा भक्तां की मानता भारी साहब ज्यादा है। बोले भी बाबू आवे चालो सुजा बाई कठे तेरे कोड। अब देखे तो कह काया सीसे वर्गी बना दी। बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। बाई देवर जेठ सासू सुसरा और ते पति देव ने तो देख लियो गो हां बाबा देख लियो और तेरे पीर आला भाई बंद भाई भाभी तेरे काम आया ना महाराज को नहीं आया तो सुजा छोड़ दे ही मोह माया ने और एक काम कर। बोलो बाबा आप जो कहोगा मैं वो ही करूंगी। तो रामदेव जी महाराज के अपनो बीनो देवे सुजा ने और के रामदेव जी महाराज सुजा ने अपनी सेवा देवे और अपनी भक्तनी बनावे कामड़ बनावे बाबा अपनो। तो के कहे
ऊंचो चीना ले सूजा देवरो ऊंचो चिनाले सुजा देवरो और गूगल धूप तू खेई भगवा कराले सुजा कापड़ा तू घर घर अलख जगाई जा मेरे नाम को प्रचार कर दुनिया में। तो ऐसे करके रामदेव जी महाराज सुजा बाई ने और काया कंचन बनाई। ऐसो परचो बाबो सारी सभा ने दे बोलो द्वारका नाथ की जय हो। तो हरिदास जी कहन लग्या बोले ओ घोड़ाला तू आधी रात को बैठे बिया मान उजाड़ में भी सुजा करने गयो और मैं तो तेरे मंदिर पर बैठे हूं मेरा बारी के तेरो घोड़ो लंगड़ो हो गयो। तो कह एक दिन बीत जावे सुजांगी और हरिदास की पुकार के बाबे सुनी को नहीं हरि सिंह जी आवे समझ में के पूरी आवे जी ठीक बावन कली को 24 परवाणी में रामदेव जी महाराज का है। 24 परवाण को हरिदास जी बखान करे जद भी ने आंख मिले और 3 दिन तक वो मंदिर पर बैठे रहे हो ऐसी जिद अगर कोई बाबे सागे बंद है तो देर कौन लगे बन थारू 3 घंटा ही कौन बैठी जाए कदे इनने पास हो फिर है कदे इनने फिर है हैं है जी हाँ बैठे तो भी जाओ कड़े बुला लिया नहीं तो हरिदास जी और रामदेव जी महाराज ने पुकार करे तो किने किने बाबे कलयुग में पर्चा दिया तो हरिदास जी बखान करे के थारा काई काई करूं मैं बखान थे गऊ बछड़े का मेला किया कियो दांतल फेर सुजांगी काया सुधारी अमी छांटो गेर जालू जुग से टालिया करी पल में मेर दल्ले ने ते जा जीवायो बांगो धन ल्यायो घेर। तो काठियावास में और बारोठिया गांव हो बिंग मा एक दल्लो सेठ हो तो मित्तल साहब चले गया वो बाणियों को परचो है अब बाणियों के धन तो घणो ही हो पर उलाद को नहीं। अब सेठ तो आपके फैक्ट्री में कारखाने में चलो जाया कर दो और सेठानी बिचारी घरा एकली गड़ा में कुटेड़ी कमेड़ी हो जो बैठी रहा कर दी। तो सवाई राम जी कामड़ा बाबेगा और वे बीनो लिएड़ा कांधे के ऊपर और के गांव में आ गया
सेठ की बड़ी हवेली देख गए और सेठ के घर आगे कहने लगे, अरे भाइयों कोई घरा है? अब्बा एक पास है कुंट में लागेड़ी बैठी, क्यों घरा कोई बोल बतल तो कोनी, सेठ मुंजी बहुत हो, नौकर चाकर राख दो कोनी, क्यों जरूरत ही कोनी पड़ दी। हां महाराजी बोलो के भाई भूख लाग रही है, रोटी को टेम है और दो रोटी खानी। तो बोली भाई भगमो देख के कहने लगी, महाराज जी बैठ जाओ। अब स्वाई राम जी इतना बीणो ले रखियो। सेठानी कहन लगी, महाराज जी आ तोपसी के है थारे कने? तो स्वाई राम जी कहन लगे, भाई और रामदेव जी महाराज को बीणो है तो यो के काम आवे है? बोले भाई यो बजाने के काम आवे, बजाने के काम आवे। तो महाराज जी थे ही ने क्यों बजाओ? अब लुगाइया को काम होवे। अनंत जी आगू आगे बात काटने की, बोले भाई मैं रामदेव जी महाराज का जम्मा लगावा, जद ही ने बजावा और मैं बाबे का भजन करा, तो थे बाबे का भजन क्यों करो हो? तो बोली बाबो बड़ा बड़ा काम करे भाई, के काम करे? अब स्वाई राम जी बाबे को प्रचार करे के रामदेव जी आंधा ने आंख दे है, पांगला ने पग दे है, कोडियां का कलक जाड़े, ने पुत्रा ने पुत्र दे। अब सेठानी को याव देखियो अंताव, स्वाई राम जी कामड़गार पग पकड़ लिया, महाराज थारो रामदेव जी जे उलाद दे है तो मेरे धन तो गणो ही है और मन थे रामदेव जी का आगे सुपारश कर गए और एक टाबरियो दिराओ तो मेरे धन को रुखाड़ो आजे और मेरो नाम चाल जे। अब स्वाई राम जी मन में सोची लतन के बेरो आल बहादुरी बैठी है, कहने लगे भाई मेरे पग अमकी कोनी, मेरा पग छोड़। बोले ना महाराज जी, थे इतनी बात बताई है और वो बाबे को थे लिए फिरो तो जरूर बाबो थारी बात माने, अर भाई जे थाने नहीं देनो है तो थारी मर्जी है। अब सवाई राम जी बात के मैं उलझ गया तो कहने लगे भाई थारे घरा कच्चो सूत है? बोली हां महाराज जी पड़ी है। तो थेपड़ी? बोले थेपड़ी भी है तो तू आग जगागे और बाबे को धूपियो करो। तो प्रेमियों बाबे की धूप करण को भी कोई टेम को नहीं, अगर सवाई राम जी की बात देखे तो दिन में 12 बजे की टेम बाबे की जोत करी। अब्बा तो आपको पेंडो छुटाने खातर करी बाबड़ा, क्यों अगले काम में जानो? आपके 12 बजे की टेम और रामदेव जी महाराज की जोत करी, कहने लगे बाबा मन तो बेरो को नहीं हो के भैया बेउलादी है निपुत्री है, मैं तेरा आगे इनको नाम ले दियो और तू जो है इनकी पुकार सुन और मेरे भगवे की तू लाज राख। आपके सात गांठ लगा गए बतांती गढ़ में बांध दी, रामदेव जी महाराज की जोत कर गए और माथे में कह तिलक काट दियो बबूत को और बाजो बचेड़ी बबूती ही। कहन लगी ले भाई आ बबूती तू श्याम सुबेरे रामदेव जी महाराज को नाम ले गए और एक चिमटी पानी के सागे पिया कर और श्याम ने रामदेव जी महाराज की जोत कर लिया कर, और जे सुबेरे करे तो बहुत ही अच्छी बात है दोनों टेम करे तो। बोले महाराज जी मेरे कोई काम को नहीं, सेठ जी सुबेरे 4 बजे चले जावे है, थे कहोगी तो मैं 3 बारी जोत कर लूंगी रामदेव जी। तो बोले भाई 3 तो कोनी, तू 2 बारी कर ले सुबेरे शाम और बिन याद राखी करियो बाबे तो 9 महीने तेरे लड़को होवेगो और भाई जब तेरो लड़को 1.25 महीने को हो जा, जब तू रामदेव जी महाराज के मंदिर पर जागे और भी लड़के को जड़ूलियो तारी आई। बोलो द्वारका नाथ की। अभी कह गए सवाई राम जी तो अपनो पल्लो झाड़ गए
और भीर हो गया। बोले ले बाबा तू जाने रा सेठानी जाने, मन तो बेरो है कोनी। आप कहां तो सेठानी गड़ांग मा कुटेड़ी कमेड़ी होवे बा गेरी होवे भी तरह बैठी रहा कर दी, और भी दिन नया कपड़ा पेर रखा और आंगने में भाजी फिरे रोटी पानी बना रखियो। सेठ भीतर आगे देखियो कह लगे आज ही ने केला दियो, आ जाओ सेठ जी थारे खातर में पानी गाल रखियो है। कह लगे तो बुलाई कौन बोलिया करे हैराज सामी आई है बाज बाज। कह लगे भगवान आज तन केला दियो। बोली रोला ना करो, आज एक रामदेव जी महाराज का भगत आया तो बोलियो रांड की 150 ठगा दिया के। बोलियो ना ले गया कोनी की, तो तू क्यों बाजी फिरे। बोले मैं तो बाने दे ही 2 रुपया सवारी पियो दे ही, पण बा लियो कोनी। कहन लागे भाई तेरे छोरो होगा कोनी, जदी मैं बधाई ले जाऊंगा जम्मो लगाऊंगा। के करियो अब सेठ तो मुंजी हो। कह लगे आ देखो बाबे की जोत करी है और वो मेरे माथे में तिलक करियो है, अरी बबूती खातर कह के गया है कि भाई सुबेरे श्याम आ गिलास में पानी में गाल गाल गए और तू पी और रामदेव जी महाराज की जोत करी और मेरे गढ़ में आ सूत की तांती बांध के गया है। सेठ कह लगे सुश्री रांड जे राख में टाबर होवे तो जटांगा हरा भरिया पड़िया है, अरे लोग सारा ही मसल मसल के बैठ जाते तो माथे में तिलक काट रखे, और जे सूत के मां टाबर होवे तो खेसला बनिया घर जाके देख तनी टूटन लग रही है सूत। इस सूत में टाबर पड़े है, बता तेरे कनू के ले गयो वो। बोले थे महाराज जी के खातर ही तरह नाको, अरमन बाबा को बड़ो भारी विश्वास है तो की 150 दिया तो कौन ही होगा तय। बोले की कौन ले गया। सेठ मन में विचार करो ले बतावे भी की कौन ले गयो, तो तेरो के ले आया रोज की रूसेड़ी सी बैठी रहे और आप बिलम लगी रहेगी तेरो के ले। तो सेठानी के बड़ो भारी विश्वास हो और कह प्रेमियों दिन बीत्या महीनों बीत्यो और के नवे महीने और दल्ले सेठ के घर के थाली बाजी है। बोलो अजमल घरे अवतार की। अब दल्ले के घरे खुशी मनाई गई, धन आलो सेठ हो गांव का बधाई ले आन जा। अब बाबा को दियो करया करदा, अब वो दियो ही भूल गया क्यों घर में छोर हो गयो। कदे कठो कोई लिफाफो आज है, कदे कठो कोई पैकेट आज है, बधाई आलावे खुशियां मनान ला गया। तो सवाई राम जी कह के गया के भाई सवा महीने को लड़को जब तेरे हो जा, जब तू बाबे गए मंदिर पर जाके जड़ू लियो तारी। तो कह लड़को 6 महीना हो जावे और बाबे की जो धूप करया करदा भाई भूल गया। तो प्रेमियों काम लिकड़े बाद में ही तरह ही काम होवे, वोट पड़े जो सारा ही काम उठ ले आज ही मेरे कन्ने के अपने नेता पर ही लगा लियो। आपके 6 महीना व्यतीत हो जावे और 6ठे महीने बाद के भादवे को महीनो लागो और रामदेव जी महाराज का जात्री जयकारा लगामदार उनेचे जावे और जयकारे की आवाज सेठानी के कान में पड़ी और वह बात याद आई। कहन लगी तू तो भूल गई, अरे भगजी कह गया हा वह बात साची होगी तो दो दियो करनो ही छोड़ दियो। तो रात में कह सेठानी ने आवाज होई, सेठानी पुत्र के लाड में तू मेरो दियो करनो ही भूल गई और वो मेरो कामड़ तेरे विश्वास दिरागे गयो कि मेरे मंदिर पर आगे तू जड़ू लियो तारी तो तू भूल गई। और सेठानी सेठ ने जगायो, सेठ जी आपनों तो बड़ी बारी भूल होगी, के हो गयो आपने घर में भगजी आयो
और मेरे बात तांती बांध के गयो और घरा मन जोत बुला के गयो, तो आपा तो ही टाबर के कोट गए मैं और वो दियो करनो ही भूल गया और आपा ने बाबे के जात भी जानो हो। तो सेठ कहने लगे, सेठानी आपने कोई चीज को घाटो को नहीं भूल गया नहीं, तो बा कमी आप भी पूरी करिया, वहां चिंता ना कर बैठी हो और अपने जगह जमीन खोद, क्यों पहला तजूरी तजारी को नहीं होती, रुपया जमीन में दबे रख रखता। मारे गांव वाला कुमार बे घरा ही भूल गया, क्यों बे भिंता में चीनी रखा करता आंडिया में गाल गाल गया। तो के अब सेठ के आंगने के मां और दियो जगा रखियो और चांदी वाले रुपया को ढेर लगा रखियो। अब पी संग हिसाब किताब जोड़े के इतना रुपया तो आपा रामदेव जी महाराज के जागरण में लगावांगा, इतना रुपया आपा बाबे की जारी में गालांगा, जो समाधि के अंदर रखेड़ी है बाबे की जारी आपा कलश बोल दिया। तो अभी तो भी मैं वे दान पात्र रख रखे है भगजनों, पहले बात जो जारी ही बिंग में दुनिया जाया कर दी, रिपियो सवा रिपियो चमन्नी अठन्नी गेरिया कर दा, तो बात जारी बरीजा कर दी कोनी और ना ही भी मुकदे लिकड़िया पीसा, पता नहीं बाबो कटे एफ डी कराया कर दो भांगी। तो के इतना रिपिया को आपा लंगर लगावांगा, इतना रिपिया आपा बावड़ी में लगावांगा, और सेठ और सेठानी रिपिया को हिसाब जोड़न लाग रहा। तो बी गांव में के एक करमलो भील रहा कर दो, तो बिंगो काम के हो चोरी करनो, रात ने गांव का गंडक मुसाया कर दो। अब करमलो गली गली आन लाग रहे हो और सेठ के घर रोशनी दिखी चारनो दिखो, तो करमले एक मोरे के माकर ध्यान लगा के देखो, बड़ा आज बाणिया केक रहे ढाई बज रहे सोया को नहीं। अब मोरे के माकर देखे तो कह चांदी वाला रिपिया गो और ढेर लगा रखो, कहने लगे हो तू तो इतना ही गुंडक मसाऊ दो फिरे, माया तो आ पड़ी है पर देखे कटे सी धरी। तो सेठानी कहने लगी, महाराज आपा कद चला, बोलो कद के आपा सुबेरे ही भीड़ हो और बड़ी खुशी हूं बाबे का आपा तन मन धनु और यात्रा कर गया वहां। कनमरे मन में विचार करो, ए तो जाई रुनेचे और चाल तो अन रास्ते में तिलक कराई, आप सुबेरे ही बानो बना गए और सेठ के कने आयो, सेठ जी दो पीसा को तेल दो। अरे करमला आज तेलू के बनावे है, कोई बार नहीं त्योहार नहीं होली नहीं दिवाली नहीं, तो प्रेमियों भी जमाने में कणक की रोटी भी है ना होली दिवाली की मिलिया कर दी, चना और बाजरी होया कर दी, बटाऊ आ जाया कर दो भी खातर कणक की रोटी बनाया करता, तो टाबर राजी होया करता भी आज कणक की रोटी खावाना, ये चावल चोवल भी बहुत बाद के मैं आया तो होंदा तो सरी पर हरेक घर में कौन मिलिया करता। कहने लगे करमला आज तेल उनके बनावे हैं, बोले जी मैं रामदेव जी की जात बोल रखी है। अरे सेठ भी मुंह का नहीं देखियो, अरे तू चोर यार ते रामदेव जी की जात कद बोली, बोले सेठ जी कई साल हो गया जब मैं जात बोली बाबे की और आज मैं गुलगुला सवाली बना गए और रामदेव जी महाराज की धोख मारन जाऊं। तो सेठ कहने लगे करमला रुनेचे तो मान नहीं जानो हो, पर भाई तेरो और मेरो तो सागो कोनी, क्यों तू चोर है और मैं साहूकार। बोले सेठ जी के बात करो थे, एक गांव का आपा अच्छो मेरे कने ऊंट है, थाने चढ़ागे ले चालू और चढ़ागे पाछो घरे ले आऊं। कहन लागो ना भाई मैं तेरे सागे कौन जावा, तेरो विश्वास के तू रास्ते में कोई मारे सागे धोखो कर ले,
कहन लागो ना महाराज हे ही बाबे का जात्री, मैं ही बाबे को जात्री, मैं अभी चोरी चारी कौन करूं जितने मेले धोकने मार गया हूं इतने। तो सेठ कहन लागो करमला तू रामदेव जी महाराज की सोगन खा के तू मारे सागे कोई धोखो कौन करे। तो करमले मन में विचार करो पूछी ने रुनेचो कितनी दूर है, गैड हो तो वो ही कौन ही हो। कहने लगे सेठ जी रुनेचो और कितनी दूर है, तो बारोठिया गांव हो और रुनेचो सौ कोस है। कहने लगे सौ कोस है भाई रुनेचो और 15 दिन अपन यात्रा का लागेगा। करमले मन में विचार करो इतनी दूर के रामदेव जी ने सुने, और जे सुनी गयो तो बाणियों कुंटल पक्की चांदी ले जी आदि दे दे रामदेव जी हल्ले ही कोनी। कहने लगे सेठ जी थारे मारे बीच में रामदेव जी भगवान है, अगर जे मैं कपट करूं तो मने रामदेव धनी की आन है। अब सेठ के विश्वास हो गयो करमला तू रामदेव जी महाराज की सोगन खा गयो तो चाल अब तेरे सागे चालांग। अब सेठ सेठानी और 6 महीनांगो वो लड़को अब रामदेव जी महाराज के रुनेचे और के धोक लगान चाल पड़ा। अब बियाबान उजाड़ आई और के झाड़ी आ गई और वह झाड़िया में एक मोर बोलियो के उंडी उंडी झाड़ी बोलिया है मोर, तीन बाबे का जात्री चौथो मिल गयो चोर। सेठ कहन लागो रे करमला ओ मोर के कह। बोले सेठ जी ये तो जानवर है यूं ही बोलता रहे, थे कोई चीज की परवाह ना मानो थारे सागे मैं रहे हो। अरे बोले जदी तो डर है। आप कहे बियाबान उजाड़ आ जावे और पानी को साधन हो, दोपहर को टेम हो रहे है। कर्मलो कहन लागो सेठ जी दोपहर हो रहे है और आप थोड़ी देर आराम कर लिया। तो क्या करे नहीं दबियो बाणियों पूरो तो ले। बोले हाँ जी कर लियो। अब कह ऊंट बिठा लियो है, सामान तार के एक पास रख दियो, सेठ सेठानी एक पास बैठ गया, पानी पियो आत्मो धोया। आप करम लो काट गए तलवार और एक पत्थर के ऊपर लागियो पलारन में। सेठ कहन लागियो करमला केक रहे है दिखे कोनी, दार लगाऊं क्यों। सेठ जी आपने कने इतनो धन है, रजा करी कोई बियाबान उजाड़ में चोर डाकू आजे तो एक ही उड़ा दू। बोले देखी भाई तू मेरो ध्यान करी। कह लगे थे चिंता ना करो। आप धार लगा गए तलवार गए और खड़े हो गए कर गए खंगारो और सेठ का निचाले तो सेठानी आके कर फिरी। अरे करमला मैं तेरी धर्म की बहन हूं और मारे कने जो भी धनमाल है वो सारो ले जा और मेरो स्वाग बक्स दे। अब सेठानी ने धक्को दियो है करमले, बिचारी रेत के में जागे पड़ी और वो लड़को जो है हाथ मुंह छूट के दूर रेत में जागे पड़े है। सेठानी का जीतिया खिंडिया पर न जा बेकूफ, मैं कोई भिखारी हूं मेहनत करके खावा। कह लगे रे करमला जो भी धनमाल है वो तू सारो ले ले और मेरो स्वाग बख्श दे, मारे ना मेकिंग ही आगे जिक्र कौन करा पर ना हो जा मेहनत करके खावा, मैं कोई भिखारी थोड़ा ही हूं। अब करमलो के सेठ के ऊपर तलवार चलावे और धड़ और शीश अलग कर दे। अब सेठ को सिर के बीती दूर जागे पड़े। अब जो भी धनमाल हो वो लूट गए। बोले जे घर जिक्र करे है नी तो घरे जाके मारिया हूं कड़ी तू किंग खोई फिरे।
अब सेठानी बेहोश होगी, लड़को रेते में पड़े है, तो परचो क्यों दिखायो बाबे बाने के बाबे की जोत करनी भूल गया बे। तो कहे करमलो ऊंट के ऊपर चढ़ गए और गाम कानी भी रोयो, कहने लगे कुंटल पक्की चांदी है और छह महीना तो किन्ने जानो ही कोनी, रोज ही लो लो घसावा, तो लो लो घसे के बने अलुओ डिस्को करे भी मैं। हाँ वो पानी गिरे नहीं जब वो नाचन लाग जाए तो आप ए भगत है नहीं, फिर सुर मान लाग जाए ऊंचा हो देखे दे, बतलाया करे बल बनावे तो अलुओ ही है के। तो के कहे आप करमलो के भीड़ हो जावे और बड़ो खुश हो रही है, अभी बड़ो धन मिलियो आज तो, आप घड़ी दो घड़ी में और सेठानी ने होश आयो तो लड़को रेते में पड़े बिलकन लाग रहे है और सेठ को धड़ और शीश अलग पड़े है। जागरण की रीति होवे कि कामड़ के घर जागे और आखा दे गया वे तो दोनों पक्षांगी बाबो मदद करे सहायता करे। आप सेठानी पुकार करी के हे बाबा तेरे यात्रियां ने सागे आ कहानी बनेगी तो तेरे रुने चे कोई कोनी आवे, तू बैठे पता साने डीकी। अब सेठानी की पुकार रामदेव जी महाराज के काना में पड़ी है और घोड़ो ले गए और बियाबान उजाड़ गए मां रामदेव जी महाराज सेठानी कने आवे। बोलो अजमल घरे अवतार की। सेठानी किन्ने गयो वो चोर, सेठानी हाथ जोड़ के कहन लगी है महाराज मारे कने धन माल होनी वो तो वो करमलो ले गयो, अब एक तो मैं हूं और वो एक निर्भाग छोरो है, जे ओ मारे घर में नए जन्मे तो मैं उरे के डोका लेना मारे, ओ जन्म्यो तो मेरो सुहाग खोए गयो सुहाग घुस गयो, तो महाराज मारे कने की कोनी है, मारे कने लुगो तुगो वो तो करमलो ले गयो, इभी मैं हूं रे को टिंगर है माने दो नान तू मार दे जो मारी मुक्ति हो जे। सेठानी मन में सोचो ओ घोड़ो लियो फिरे उजाड़ गए मातो के भलो है, ओ कोई डबल डाकू है वो ऊंट पर फिरे तो घोड़े पर फिरे, अब बांगो बिचारियां देखेड़ो कोनी हो भी रामदेव जी है कि सोख। तो रामदेव जी कह लगे सेठानी मैं चोर कोनी, तो साहूकार है तू रे उजाड़ में क्यों फिर दो फिरे, वो चोर किन्ने गयो, बोले मने कौन वेरो किन्ने गयो। अब रामदेव जी महाराज घोड़े की बाग फेरे और चोर के पीछे घोड़ो लगायो और पीछे आवाज लगाई रे करमला ठहर, और करमला इतना पाछो देखियो बोले ले भाई वो कोई डबल डाकू है कोई बिगड़ेड़ो ठाकर है, अब हाथों और इशारों करे करमलो कहन लागियो भैया परले रस्ते और घना ही जान लाग रहा है, तू बन लूट ले मैं तो मेरे एक गांव वाला नहीं लूटियो है। अब बन सोचे भाई ओई कोई चोर है यात्रियां देख दो फिरे, मैं तो मारे गांव वाला नहीं लूटियो है परले रस्ते और घना ही जान लाग रहा है। रामदेव जी महाराज आवाज लगाई अरे करमला ठहर, क्यों घोड़ तो घुसावे है, एक ने तो भी हरड़ गिटा के आयो हूं तन कह दियो भी परले पासे और जान लाग रहा गणाई, अभी तो तलवार को घमंड होना। अब रामदेव जी महाराज करमले भील के ऊपर दृष्टि घेरे हैं, आंखा वांदो कर दियो आथा पगाऊ चोरंगो कर दियो काया में कोड लगा दियो और दड़ाम दड़ी सी ऊंट तले पटको पकड़ गए हाथ और रस्ते के ऊपर बिठा दियो ले उरे बैठ जा, आई सजा है तेरी, मेरा यात्री आवेगा तो वे देखेगा कैन कलम ने रामदेव जी के यात्रियां के सागे आ करी, तो रामदेव जी महाराज जी के सागे आ करी, मारू कोनी तने उरे बैठो रे और मेरा यात्री आंदा जांदा देखेगा तने कैन यात्रियां के सागे धोखो करियो
और लुटिया बाने तो रामदेव जी महाराज इंगिया हालात बनाई। अब रामदेव जी महाराज सेठानी कनाया, सेठानी तेरे सेठ को धड़ और माथो जोड़। अब वो धन सागे सेठानी कहन लागी, महाराज ओ लथपथ खून में शरीर हो रहे है, मेरा तो हाथ कांपे, थे ही कर दियो काम करो। तो अब विश्वास होयो कि भई वो पाछो आयो है धन लेगे तो चोर कोनी। बाबा कुण होते, मैं भाई रामदेव जी हूं, जिंग यात्रा कदे करन जावा। अब रामदेव जी महाराज के अपने बालू और सेठ को सिर सरकावे तो सेठ चोटी राख राखी लंबी, अब्बा खून गए मां चिपरी और वो धड़ और शीश जोड़ो तो बा चोटी जी गा गई। रामदेव जी महाराज कह लगा, सेठानी जी खातर थे रुनेचे जान लाग रहा, वो अठ ही आ गयो थाने रुनेचे जानगी जरूर थी कोनी। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। अभी कह गए रामदेव जी महाराज तो अंतर ध्यान हो जावे और सेठ बैठी हो, सेठानी छोरे ने गेर रखा रेते में, हर तू इस तरह क्यों कर हो रही है। बोली रोला ना करे, वो कर्म लो है नहीं, वो हरड़ी गिटा गयो तने और अपनो धन खोस ले गयो सारो। और रामदेव जी महाराज आया और बे तने जिंदो करके गए तो सेठ हासन लागियो। बावली मरेडा कदे जिंदा होया है किन और ने सुना ये झूठी कहानी। अब सेठानी टेची के माऊ और सीसो काढ़ो सेठ के मुंह का नहीं करो तो वो रोज गो होया करे नी, इतरा बा चोटी उरा रही। बोले ला देख ले तो न हुआ। रामदेव जी महाराज आया और बे आपने जिंदो कर गया तो के रामदेव जी मने कह गया कि जी खातर थे जावा, अब थाने उरी मिल गयो, थाने रुने चे जाने की जरूरत कोनी। तो सेठ कह लगे, सेठानी मेरो धन माल में सारो कुछ बेच गए और अठ मैं बाबा को मंदिर बनाऊंगा। आप सेठ के आपको धन दौलत सारो बेच गए और रामदेव जी महाराज को वारोठी में मंदिर बनायो है और मंदिर को पुजारी बन गए और बाबे को गुणगान करन लाग जाए। बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। तुम्हारी दासी के दल्ले ने सुरगा से मोड़ो तू बांगो धन लियायो घेर, दास कही जू बाप जी ते कठे लगाई देर। तो हरिदास की पुकार के रामदेव जी कोनी सुनी, तो हरिदास जी और छठी साकी बोले तो कह दो दिन बीत जावे बाबो सुनाई कौन करे। वाह वाह वाह। ओ थारा काई काई करूं रे बखाने ओ श्यामी जी, थारा काई काई करूं रे श्यामी
अजमल घर अवतार की जय हो। कहे बाबा सुगणा बाई थारे ब्याह में आई और सुगणा को जो लड़को है वो आपने जिंदो करे हो और रत्नो सुगणा ने ल्यान गयो तो आप ब्याह लगी कथा है थाने आए तड़के सुनाई जाएगी। तो आप सभी माता बहन भाइयों और बुजुर्गों निवेदन है कि कल की कथा में आप जरूर आवे। अभी तक पर्चो पूरो को नहीं हुआ जी बैठो के रत्ने ने ते जा जीवायो तू बेगो पुग्यो गेल। हे बाबा ते मरेडा ने जीवा दिया पड़ियारा जो है रत्ने ने मार गेर कुएं में गेर दियो। तो रामदेव जी महाराज कच्चे कुकड़ियो सूत को गेर गए और रत्ने ने कुएं बाहर निकाले और जीवन दान दियो। बाबा ते मरे हुआ ने जिंदा कर दिया और मेरा तो की काम ही को नहीं, मैं तो तेरू मिश्री खानी मांगू। तो के कहे हे बाबा शाम के वक्त और भगत जन तेरी आरती करे और बाबे का देव द्वार खुल जावे तो के कहे हाँ। और भादवे के महीने में थारो मेलो लागे तो हरिदास जी के बाबे की शोभा करे। ओ बाबा भरे भादू तेरो मेलो भरे जात्री छजक नामुख घोड़े बाब दूर देश रा आवे जात्री आंदा लूला पांगला कोडिया गंठ जोड़े बाबा आंदा लूला पांगला कोडिया गंठ जोड़े बाबा रीत सरबन मिले पर चौकटे पाप की रोड़े स्यामी मिले पर चौकटे पाप की रोड श्यामी संतु भारो शा करो थारी पूर्वली पिछान श्यामी बोलो अजमल घर अवतार की जय। के बाबा भर भादू तेरो मेलो भरे भादवे की दसवीं को और पूरे महीने बाबे रामदेव जी को रुनेचे में मेलो भरे। के भर भादू मेलो भरे नवखंडा दौड़ दूर देश रावे जात्री छजक ना मुख घोड़ आंदा लूला पांगला कोडिया गंठ जोड़ प्रीत सारूबा ने मिले परचो कटे पाप किरोड़ तेरे रुनेचे में बाबा करोड़ पाप लोगा का कटे हैं। जिंगी जिसी भावना वे बिसोई फल भी ने रुनेचे में मिले तो बाबा मेरी पुकार सुन और मेरे नीचे हल्ला हो गया देख ले बैठे बैठे गए। अब जमीन तपे जेठ को महीनो और तीन दिन हो गया बैठे ने तो के लास्ट आवाज और हरिदास जी रामदेव जी महाराज ने लगावे के कहे हे बाबा तेरे नाम का लोग पांच भजन सीख के और तेरा कामड़ बनिया फिरे और तेरे नाम की किने बबूती दे तू वांगा काम सिद्ध करे है तो बाबा मैं के तेरा गुदड़िया पाड़ दिया मेरी भी तू पुकार सुन। तो हरिदास जी और के कहे के श्याम के वक्त और भगत जन तेरी आरती उतारे बाबा और जो भी मंदिर में तेरे सच्ची भावनाओं खड़े हुए तेरी आरती में तो बिंग यासा तू जरूर पूरी करे। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। और जिन्हें आदेश हो ना भक्तों वो ही बाबा के मंदिर में आरती में जा सके
नी बारने में जाए धक्को दे गए पाछो काट दे आगे कुआर जड़ दे। तो जिस वक्त बाबे की आरती होवे तो चारों पासों मंदिर बंद हो जाए और जिन्हें बाबो चावे भी नहीं मंदिर की आरती के मां और बुलावे वो तो किसोई महीनो हो और किसोई बार तीत हो श्याम 8 बजे और सुबेरे 8 बजे बाबे रामदेव जी की रुनेचे में आरती होए मंदिर में तो भगत जन हरिदास जी के शोभा करे। संजा धनी की देवा आरती संजा धनी थारी देवा आरती भूल गया देव दवारे बाप संजा धनी थारी देवा आरती भूल गया देव दवारे बाप कृत चंदन गुगल चढ़े जगे ज्योत अपारे बाप कृत चंदन गुगल चढ़े तंदूरा झालर बाजे कांसिया झनकार बाबा तंदूरा झालर बाजे अनंत बाजा बाज रहा मेरे राम दे के दरबार शामी अनंत बाजा बाज रहा मेरे राम दे के दरबार शामी तुम्हारो शा करो थरी पूर्वली पिछाण श्यामी हो तुम्हारो शा करो थरी पूर्वली पिछाण श्यामी हो बोलो बाबा रामदेव भगवान की जय। तो हरिदास जी विनती करे के संजा धनी थारी देवा आरती खुल गया देव दवार शंख मंजीरा झालर बाजे कांसिया झनकार घृत चंदन गुगल चढ़े जगे ज्योत अपार अनहद बाजा बाज रहा मेरे राम दे के दरबार। तो हरिदास जी की सुनाई के बाबे कोनी करी अब देखो डॉक्टर साहब कद करी करनी तो पड़ी तो के हे बाबा करोड़ कामड़ तेरे नाम को भगवो करे फिरे चाहे किने गुरु की थापना मिलेड़ी हो और ना मिलेड़ी हो 5 भजन सीख ले बोई के बाबा मैं रामदेव जी को कामड़ू सड़कांग ऊपर बैनर लगा दिया बाबर लाल जी है तो के कहे ओ बाबा करोड़ कामड़ी आंगा थे धनी करोड़ कामड़ सरने द्वार हे करो प्रत पाल बाबा करोड़ कामड़ कूड़ा कपटी लोभी लालची नुगराने पासे टाल बाबा कूड़ा कपटी लोभी लालची नुगराने पासे टाल बाबा सच बोले सच तोले आंगा हो रखवाले बाबा सच बोले सच तोले आंगा हो रखवाले बाबा कोई कर हरिदास गावे हरिदास गावे दुख संकट ने टाल श्यामी बोलो बाबा रामदेव भगवान की तो के करोड़ कामड़िया ना थे धनी और थे करो प्रतपाल कूड़ा कपटी लोभी लालची नुगरा ने पासे टाल सच बोले सच तोले वांगा हो रखवाल दो एकर हरिदास गावे तू दुख संकट ने टाल। अब रामदेव जी महाराज के एक जाट को रूप बना गए और आया बोले भाई तन उरे बैठे 3 दिन हो गया के बात है कुन है तू बोले मैं तो उरे रोज ही देखू तन टिप दो क्यों बैठे हो तू तेरे पगाम फाला हो रहा है बोले भाई मन छेड़ी ना
क्यों मन राम दे जी आंख खुलानी है तो इतना तावड़े में बैठी आंख खुले न खुले तो तन के मतलब है तू तेरे रस्ते लाग कह लागे मन तीन दिन हो गया तन देख देने जिद बांध बांध के बैठ जाओ थे इतना कोई रामदेव जी पूरा आवे रामदेव जी कोई दुकान खोल रखी आंख देने की कह लागे मेरे हाथ ना लगा दे दूर रह तू। अब रामदेव जी महाराज हरिदास को हाथ पकड़े और बड़े के खेचा तानी हो जावे जो पहला में सनीमाली टिकटांग ऊपर होया करती तो अब रामदेव जी महाराज के हाथ पकड़ गए हरिदास ने और बैठो कर दियो। अब बैठो कर दे के लट्टू सा जगा दिया बाबे बोलो अजमल घरे अवतार की। तो हरिदास भक्त ने के 52 कली को परवान बोलियो और 3 दिन वो मंदिर पर बैठो रहे हो जद भी ने आंख मिली आपा 8 रेख ताई कौन बैठ सका अर का बाबा माने बा बलोरो दिरा दे गए हैं तमन्ना द्वार रखा पर बैठी जे कोनी है तो के करोड़ कामड़ियांगा थे धनी और थे करो प्रतपाल कूड़ा कपटी लोभी लालची नुगरा ने पासे टाल दो एकर हरिदास गावे तू दुख संकट ने टाल। अभी तो कहने हरिदास की के आंख खुल जावे कह लगे वो जाटियों किन्ने गए हो ध्यान धरे बोलो हो तन तो दिखे कोने तू तो गाल काटो बिने वो तो वो धनी आयो। तो हरिदास भक्ति के रामदेव जी महाराज आंख खुला दिए बोलो अजमल घरे अवतार की जय हो। तो एक बाबा का भगत